सत श्रीकाल दोस्तों, मैं सुखविंदर शेरगिल तो लिविंग इंडिया न्यूज़ के नाल जुड़े। उस वेले की वड्डी खबर अमृतपाल मामले दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। अमृतपाल नूं जथेदार साहब ने एक बार फिर तो सरेंडर करन दी गल आखी है। उन्हां इस पिछे तर्क भी दिता। उन्हां कहा कि जेकर अपने आप नूं अदालत दे विच सच्चा साबित करना है ते सरकार नूं झूठा साबित करना है तां उस नूं पेश ही होना पैना है। मैं अपने तजर्बे दे विचों कह सकदा कि बहुत वार अजिहा हुंदा कि सरकार दे जिहड़े एलीगेशन ने उह झूठे हुंदे ने ते इस मामले नूं वड्डा करके पेश कीता गया। उह भावें इंटरनेट बंद करना होवे, भावें वख-वख धरामां लाउणा होवे, NSA वर्गियां तरामा इस मामले दे विच अमृतपाल ते अमृतपाल दे साथियों उत्ते लाईयां गईयां ने। इस मौके उन्होंने प्रधानमंत्री बाजे के बारे भी कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने वालों जिहड़ियां सोशल मीडिया से गालां कढ़ियां जांदियां सी उन्होंने मैं विरोध करदा ते उन्होंने दे हक दे विच नहीं आ, पर इस दे बावजूद जेकर वह देश लई खतरा ने तां बड़ी गंभीर समस्या। तो उन्होंने कहा कि हमेशा ही सिख ने जिहड़े वो काले कानूनों के विरोध दे विच रहे ने ते मैं NSA वर्गे जो भी कानून जो भी धारावां लाईयां जांदियां ने मैं उन्हां दे विरोध दे विच आ। किसी भी व्यक्ति उत्ते NSA वर्गियां धारावां नहीं लगनियां चाहीदियां। वो भावें अमृतपाल होवे, भावें अमृतपाल दे साथी होण, हमेशा ही असी उस दे विरोध दे विच रहे आ ते अगे भी विरोध दे विच ही रहांगे। जथेदार साहब दा इह वड्डा ते ताज़ा बयान सामने आया जिस दे विच उन्हां कहा कि अमृतपाल मामले दे विच इक वार फिर तो उन्होंने सरेंडर करन दी अपील कीती है। इस दे पिछे उन्हां तर्क दिता कि जेकर अदालत दे विच अपना पेश पक्ष करना है तो पक्ष पेश करना है तो उन्होंने सरेंडर करना ही पवेगा क्योंकि झूठ ते सच दा फैसला अदालत ही करेगी। पर मैं अपने तजर्बे दे विचों कह सकदा कि बहुत बार सरकार दे जिहड़े एलीगेशन हुंदे ने उह झूठे हुंदे ने, पर सरेंडर करन दे बाद ही यह सारा मामला जिहड़ा स्पष्ट हो सकदा है। तो इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री वाजे के दा भी जिक्र किया कि जेकर उन्होंने देश उन्हों का देश को खतरा तो यह एक बड़ी गंभीर समस्या। तो अजे दे विच उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति उत्ते NSA वर्गियां धारावां नहीं लगनियां चाहीदियां।